नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ प्रियंका। अनूपगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में उपखंड कार्यालय में लॉकडाउन 3.0 के क्रियान्वयन हेतु उपखंड अधिकारी पवन कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनूपगढ़ के मनिहारी यूनियन के अध्यक्ष विजय धुड़िया, मिठाई विक्रेता यूनियन के मनीष सारस्वत, होटल यूनियन के अध्यक्ष छगन बजाज, कपड़ा यूनियन के अध्यक्ष गिरीश चराया, स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष राजाराम सोनी, किरियाना यूनियन के अध्यक्ष कैलाश पारिक, मोटर्स पार्ट्स के अध्यक्ष दीपक बवेजा, नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता सतपाल मुंजाल, तहसीलदार रामपाल मीणा, पुलिस उप अधीक्षक रामेश्वर लाल, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मनफूल राम, थाना अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। बैठक में उपखंड अधिकारी पवन कुमार ने लॉकडाउन 3.0 के संबंध में गृह विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसरण में 4 मई से नगर पालिका क्षेत्र अनूपगढ़ में समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रखने हेतु निर्देश दिए तथा कहा कि शाम 5 बजे के बाद पूर्ण रूप से बाजार बंद रखा जाए और शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक किसी भी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पूर्व की भांति धारक 144 भी लागू रहेगी। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं व 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को हाई रिस्क की श्रेणी में रखा गया है, जिनका बाजार में आना जाना पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। समस्त दुकानदार सोशल डिस्टेंस की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक उपभोक्ता को मास्क पहनने हेतु प्रेरित करेंगे। वे स्वयं भी मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले जुर्माना यथा मास्क नहीं पहनने पर 200 रूपए, बिना मास्क के ग्राहकों को सामान बेचने पर 500 रूपए, काउंटर पर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होने पर 500 रूपए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 100 रूपए इत्यादि के बारे में भी समस्त प्रतिष्ठानों के अध्यक्षों को अवगत करवाया गया है। समस्त दुकानदारों से अपील की गई है कि वे अपने पास 50 या 100 मास्क रखें ताकि किसी जरूरतमंद को तुरंत उपलब्ध करवाया जा सके। समस्त प्रतिष्ठानों के अध्यक्षों से अपनी यूनियन के अन्य दुकानदारों को जागरूक करने, कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु हर प्रकार से सचेत रहने के साथ साथ बिना आवश्यकता के बाजार में घूमने वालों की सूचना पुलिस प्रशासन को देने की अपील की गई, ताकि उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सके। इसी प्रकार छोटे बड़े हर समाचार को देखने के लिए अनूपगढ़ ज्योति चैनल के साथ बने रहिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। उपखंड क्षेत्र अनूपगढ़ की समस्त जनता को हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने लॉकडाउन प्रथम और लॉकडाउन द्वितीय को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया, वो काबिले तारीफ है। परंतु जैसा कि आप सभी को विदित है, कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु लॉकडाउन 3.0 का आरंभ कल से होने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से ये अपील करता हूँ कि उपखंड प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में कल उपखंड क्षेत्र अनूपगढ़ की समस्त दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। परंतु मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो कि बाज़ार में किसी भी तरह की खरीदारी करना चाहे, केवल वही लोग बाज़ार में आए, बगैर किसी अनिवार्य आवश्यकता के बाज़ार में आके भीड़ न करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का यूज़ करें और इस लॉकडाउन 3.0 को सफल बनाएं। इसी से हमारा और हमारे ज़िले का कोरोना संक्रमण से बचाव संभव हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।